पुलिस अधीक्षक संबल चक्रेश मिश्रा के आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल के निर्देशन में तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली प्रभारी बहजोई रविंद्र प्रताप सिंह ने सर्विलांस व स्क्वाड टीम के संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर सुदेश उर्फ रोहित निवासी ग्राम तातरपुर थाना बछरायू अमरोहा को ट्रक में छिपाकर ले जाई जा रही 510 पेटी हरियाणा माल का अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। इस विषय में पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि भेजोई कोतवाली पुलिस सर्विलांस व स्क्वाड टीम ने संयुक्त अभियान में एक ट्रक में ले जाई जा रही 40 लाख रुपए की 510 पेटी हरियाणा मार्का शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है। साथ ही संबल पुलिस आगे भी इस तरह की कार्यवाही करती रहेगी। थाना भेजोई के अंतर्गत आज स्वाट टीम और थाना भेजोई की पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्यवाही करते हुए एक ट्रक जो हरियाणा से लाई हुई अवैध शराब उत्तर प्रदेश में बेचता था, इसको इसके मालिक के साथ में पकड़ा गया है। इसमें से 510 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है, जो हरियाणा में बेचे जाने के लिए निकाली गई थी, लेकिन उसे उत्तर प्रदेश में बेचा जा रहा था। इसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 40 लाख रुपए है। जो ट्रक भी इसमें बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित मूल्य 20 लाख रुपए है। साथ में इनके पास से एक अवैध शस्त्र भी बरामद हुआ है। और इस तरह से संबल पुलिस के द्वारा लगातार अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पिछले एक महीने में कुल 142 मुकदमे पंजीकृत करके 150 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है व 6000 लीटर से ऊपर अवैध शराब बरामद व नष्ट की गई है। इसी प्रकार से संबल पुलिस कार्रवाई जारी रखे।